स्टूडेंट्स, आई एम विशाली अग्रवाल, योर मैथ्स टीचर। प्रीवियस क्लास में हमने चैप्टर 3 कंप्लीट किया था, विच इज़ क्या था, हमने क्या पढ़ा था लास्ट चैप्टर में? फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। हमने लास्ट चैप्टर्स में क्या पढ़ा था? फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। ओके, टुडे आई एम गोना स्टार्ट चैप्टर 4 विच इज़ फ्रैक्शन। चैप्टर 4 क्या है? फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस मतलब होता है कि हमें सबके फ्रैक्शन निकालना, न्यूमरेटर। इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, पहले हम देखते हैं। इस चैप्टर में हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव सीखते हैं। ओके, लर्निंग ऑब्जेक्ट आउटकम्स क्या क्या है। आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर द स्टूडेंट्स विल बी, आप लोगों को क्या क्या पता चलेगा। इक्विलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं, इक्विलेंट यानी कि जिसमें डेनोमिनेटर क्या हो, सेम हो, ठीक है। नेक्स्ट, कंपेयर एंड ऑर्डर लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन। क्या पढ़ोगे आप इधर? लाइक एंड अनलाइक, लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन। नेक्स्ट, ऐड एंड सब्सट्रैक्ट लाइक मिक्सड फ्रैक्शन। क्या पढ़ोगे? ऐड एंड सब्सट्रैक्ट लाइक अनलाइक एंड मिक्सड फ्रैक्शन। किसमें? अनलाइक फ्रैक्शन में एंड मिक्सड फ्रैक्शंस में। ओके, नेक्स्ट, मल्टीप्लाई अ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर एंड अ वाइस वर्सा। इधर हम क्या पढ़ेंगे? होल नंबर से वाइस वर्सा में कैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हम पढ़ने वाले हैं। मल्टीप्लाई अ फ्रैक्शन बाय अ फ्रैक्शन। अगर एक फ्रैक्शन है लाइक 1/2 इंटू 1/4, हमको ये पढ़ना पड़ेगा कि मल्टीप्लाई बाय फ्रैक्शन, तो क्या हो जाएगा आंसर? क्या आ जाएगा? 1/8, 2 × 4, 8, 1/8 क्या होगा आंसर? ये इसको हम क्या बोलेंगे? मल्टीप्लाई अ फ्रैक्शन बाय अ फ्रैक्शन। नेक्स्ट, डिवाइड अ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर एंड अ वाइस वर्सा। हमको डिवाइड पढ़ेंगे होल नंबर एंड वाइस वर्सा से। नेक्स्ट, डिवाइड अ फ्रैक्शन बाय अ फ्रैक्शन, हम क्या पढ़ने वालेंगे? डिवाइड लाइक 1/8 डिवाइडेड बाई 1/4। हम क्या करेंगे? दोनों का एलसीएम लेंगे, हमें क्या मिलेगा? 8 एलसीएम अगर हमारा आता है। 8 एलसीएम के बाद 8 में हम क्यों क्या करना, 8/2, तो क्या आ जाएगा? 4/8 यानी कि 1/2 आंसर आ जाएगा। ओके, ये हमें डिवाइड का भी, फ्रैक्शन को हमें डिवाइड से ही पढ़ना है। लेट्स रिकॉल, हमने जो पढ़ा है लास्ट चैप्टर में, पहले हम वो देखते हैं। अ फ्रैक्शन इज एन इक्वल पार्ट ऑफ अ होल। फ्रैक्शंस आर डिफरेंट टाइप्स। फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन इज एन इक्वल पार्ट ऑफ, एक होल का इक्वल पार्ट क्या होता है? फ्रैक्शन होता है। फ्रैक्शंस आर डिफरेंट टाइप्स। फ्रैक्शन क्या होते हैं? बहुत टाइप के होते हैं। फर्स्ट फ्रैक्शन हम इधर पे क्या पढ़ने वाले हैं, विच इज फर्स्ट फ्रैक्शन? फर्स्ट फ्रैक्शन इज यूनिट फ्रैक्शन। फर्स्ट हम किस फ्रैक्शन के बारे में बात करेंगे? यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है देखते हैं, यूनिट फ्रैक्शन के एग्जाम्पल। अ फ्रैक्शन विथ न्यूमरेटर 1, क्या होता है? जिसका भी न्यूमरेटर 1 हो, यानी जो अपर पार्ट होता है, जैसे 1/3, तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, ये होता है अपर पार्ट न्यूमरेटर, एंड लोअर पार्ट इज कॉल्ड डेनोमिनेटर। ओके, सो जिस भी फ्रैक्शन का ऊपर जो न्यूमरेटर 1 होगा, उसे हम क्या बोलते हैं, उस फ्रैक्शन को आप बिना देखे बोल दो कि वो फ्रैक्शन क्या होते हैं, यूनिट फ्रैक्शन। ओके, अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं किसके, यूनिट फ्रैक्शन के एग्जांपल्स ऑफ यूनिट फ्रैक्शन। क्या लिखा है इधर? 1/2 और 1/2, ये क्या है? 1/2 एक सर्कल है, आपको इसमें किसने डिवाइड, कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया? 2, 1 और 2, तो ये क्या हो जाएगा? और हाफ सर्कल क्या है? फिल है, तो ये क्या हो जाएगा? 1/2, 1 मतलब टू, एक टू पार्ट्स में 1 पार्ट क्या है? फिल है, और 1/2 इसको हम क्या लिख सकते हैं, और 1/2 एक का आधा, तो हम 1/2 कैसे लिखेंगे? 1/2 यानी कि 1/2। अब यही देखिए, इस सर्कल पे आप देखिए कि 3 हैं, कितने पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है? 3 पार्ट्स में, तो ये क्या हो जाएगा? 3 पार्ट्स नहीं जाएगा, और इसमें फिल कितना पार्ट है?
वन पार्ट, इसको 1/3 हम लिख देंगे. नेक्स्ट क्या है, फोर पार्ट्स में डिवाइड है एक सर्कल. कितने पार्ट्स में डिवाइड है, फोर. तो हम इधर पे जो भी टोटल पार्ट्स जो होंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे, डिनोमिनेटर. उनको हम क्या लिखेंगे, डिनोमिनेटर. सो जो फोर्थ, मतलब यानी कि फोर्थ में कितने कितना जो कलर है वो क्या है, वन पार्ट. तो हम क्या लिख देंगे, 1/4. तो जिसका भी, मैंने आपको पहले बताया कि जिसका भी न्यूमरेटर वन होगा, जिसका भी क्या होगा, न्यूमरेटर वन होगा, वो किसका एग्जांपल है, यूनिट फ्रैक्शन का. तो फर्स्ट एग्जांपल 1/2, सेकेंड 1/3, और 1/3. हम 1/3 को क्या बोल सकते हैं, 1/3. ठीक है. नेक्स्ट अब क्या है, 1/4, यानी कि 1 कितना पार्ट कलर है, 4 टोटल 4 पार्ट्स हैं, कितना पार्ट कलर है, 1. तो ये क्या हो जाएगा, 1/4 या 1/4. 1/4 को हम क्या बोलते हैं, 1/4. ओके, सो 1/2 क्या हो गया, 1/2, 1/3 एंड 1/4 आर एग्जांपल्स ऑफ यूनिट फ्रैक्शन. क्या है ये, एग्जाम्पल्स है यूनिट फ्रैक्शन के. चलिए हम आपको एक एग्जाम्पल और बताते हैं यूनिट फ्रैक्शन का. ठीक है, लाइक आपके पास ये ट्रायंगल है, थ्री ट्रायंगल्स यू हैव, फर्स्ट लाइक दिस, सेकेंड लाइक दिस, एंड थर्ड लाइक दिस. ये फुल कलर है, this is like only two parts of color, this one is only one part color. तो ये इस पर आप क्या लिखोगे, 1/2, because क्या होता है, two parts में, तो 1/2. this is like 1/3, because total three parts में किया ना और two parts color है, तो हम इस पर क्या लिख देंगे, sorry इस पर हम एक ही color करेंगे, एक को हम erase कर देंगे, एक ही part को हम सिर्फ color करेंगे, हम एक ही part को color करेंगे. okay, सो 1/3. नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 1/1, क्योंकि इस पे एक है और हमने एक क्या है, पूरा कलर कर दिया है. तो ये भी क्या एग्जांपल है, यूनिट फ्रैक्शन का एग्जांपल है. नेक्स्ट इज सेकेंड नंबर, विच इज कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन. सेकेंड नंबर हम क्या पढ़ने वाले हैं, लाइक फ्रैक्शन. क्या होती है लाइक फ्रैक्शन, फ्रैक्शंस दैट हैव द सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन. अब अभी तक हमने यूनिट फ्रैक्शन में क्या पढ़ा, जिसके न्यूमरेटर सेम हो. अब हमें सेकेंड लाइक फ्रैक्शन में क्या है, डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए. क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए. सो यूनिट फ्रैक्शन का एग्जाम्पल हमने देखा कि डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए. तो एक सर्कल है, ये कितने पार्ट्स में डिवाइड है, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. तो टोटल क्या हो जाएगा, 5. अब कितने पार्ट्स कलर है, ओनली 2. तो हमने लिख दिया 2/5. नेक्स्ट क्या है, सेम सर्कल है, सेम बॉक्सेस है, 1, 2, 3, 4, 5. तो डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, सेम. यानी कि जो हम जितने भी पार्ट्स में डिवाइड करें किसी भी चीज़ को, उसका क्या होना चाहिए, फ्रैक्शन डिनोमिनेटर सेम. अब इसमें हम ये ऊपर, इसमें हम कलर कितने हैं, 3. तो ये 3/5 हो गया. सो डिनोमिनेटर अगर सेम होते हैं, क्या होता है, डिनोमिनेटर सेम होंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, लाइक फ्रैक्शन. ओके, डिनोमिनेटर सेम होने पर फ्रैक्शन के, उसको हम क्या बोलते हैं, लाइक फ्रैक्शन. थर्ड नंबर हम क्या पढ़ेंगे, नंबर थर्ड इज फ्रैक्शंस दैट हैव टू डिफरेंट डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन. अनलाइक फ्रैक्शन क्या है, थर्ड हम क्या पढ़ने वाले थे, अनलाइक फ्रैक्शंस. ठीक है, सो अब इधर पे आप अनलाइक फ्रैक्शंस क्या, फ्रैक्शंस हैव दैट डिफरेंट डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड, जिसके क्या हो, डिफरेंट डिनोमिनेटर हो, लाइक किसी का 4 हो, किसी का 6 हो, या किसी का 7 हो, 9 हो, कुछ भी. डिनोमिनेटर अगर क्या है, सेम नहीं है, और न्यूमरेटर ऑल्सो, इधर पे आप क्या देख सकते हो, न्यूमरेटर भी सेम नहीं है. क्या है, आपने देखा कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या है, सेम नहीं है. जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इफ सेम नहीं होंगे तो वो क्या होगा, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर नॉट सेम, आर नॉट सेम इन एनी फ्रैक्शन.
So what is called, what is this is called unlike fraction. Like see here example, एक सर्कल है कितने पार्ट्स है, 1 2 3 3 हमने लिख दिया, 3 कितना कलर है, 1. नेक्स्ट कितने पार्ट में, 1 2 3 4 5 6 7 8 हाउ मेनी पार्ट्स में सर्कल डिवाइड है, 8. और कलर कितने, 1 2 3 4 5 5 बाई 8. सो क्या हमें इधर पे मिला, 1/3 एंड 5/8. तो ये क्या हो जाएंगे, आर अनलाइक फ्रैक्शंस. दिस इज कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शंस. मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाती हूँ किसका, अनलाइक फ्रैक्शन का. लाइक यू हैव अ स्क्वायर बॉक्स, टू स्क्वायर बॉक्सेस, 1 2 3 4 1 2. सो हाउ मेनी इट इज हैज, 1 2 3 4. And how many colors? 2. Next क्या है, box है, कितना color है, 1. और total कितने, 1 2 3. 3 and how many color fractions are, 1. तो 2/4 and 1/3 are unlike fractions, जो कि कहीं से भी same ना होना, denominator में same होना ही, numerator में same हो. Next number है, next number क्या है, 4th. Proper fraction is less than its denominator. क्या होगा, द न्यूमरेटर ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन, क्या होता है प्रॉपर फ्रैक्शन में, क्या होता है, द न्यूमरेटर ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज लेस देन इट्स डेनोमिनेटर. यानी कि डेनोमिनेटर से क्या होगा, न्यूमरेटर हमेशा लेस देन होगा. लाइक अब आपका डेनोमिनेटर क्या है, इधर पे 8 मान लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8. अब कितने इसमें कलर है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 out of 8. So it is called proper fraction. क्या है ये, proper fraction है ये. अगर ये देखिए, जिधर पे भी denominator क्या हो, always greater हो, denominator क्या हो, always greater हो किससे, numerator से, वो क्या होंगे, it is called proper fraction. Okay, next number is 5. अभी हमने क्या पढ़ा, proper fraction. Now I'm gonna read improper fraction. What is improper fraction, देखते हैं improper fraction क्या होते हैं. Improper fraction यानी कि the numerator of an improper The numerator of an improper fraction is the same as a greater than its denominator. क्या होगा, जिसका numerator क्या होगा, denominator से बड़ा होगा. Like अब इधर पे क्या है, 3 है आपका denominator और आपका numerator क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8. 7 8 क्या है, numerator. तो 8/3 of 8, 3 और 3 triangles are shaded. 8/3 is an example of improper fraction. अभी इधर के आपके पास क्या है, 3 ट्राइंगल हैं आपके पास. अब आपको इस पे क्या करना है कि 8 क्या करना है आपको, 8 में क्या है, 8 3 ट्राइंगल्स को 3 पार्ट्स में किन्होंने डिवाइड किया है, टोटल कितने हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. अब उसको क्या है, उसके 7 पार्ट्स जो हैं फिल कर दिए गए हैं, 9 में से 8 पार्ट जो है फिल कर दिए, तो 8/3. तो ये क्या हो जाएगा, 8/3 of 8, 3 ऑफ ट्राइंगल्स आर शेडेड. किसको 8/3 करना है, 8 किसमें ऑफ ट्राइंगल्स को शेड करना है. तो 8/3 इज एन एग्जांपल ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. तो ये एक किसका एग्जांपल हो गया, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जाम्पल हो गया. ओके, नाउ आई नो आप लोगों को प्रॉपर इम्प्रॉपर लाइक अनलाइक यूनिट फ्रैक्शन आपको समझ आया होगा. अब हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, देखते हैं. अभी हम एक 6 नंबर देखते हैं, विच इज़ कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन. नंबर 6 इज क्या है, नंबर 6 इज मिक्स्ड फ्रैक्शन. नंबर 6 हम पढ़ने वाले हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन. मिक्स्ड फ्रैक्शन में हम क्या करते हैं, देखिए
एंड कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन. क्या हो होल नंबर मतलब पूरा कंप्लीट सर्कल का एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन जो और एक प्रॉपर फ्रैक्शन हो यानी कि जिसका न्यूमिरेटर क्या हो डेनोमिनेटर से छोटा हो उसको हम क्या बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन. सो एक क्या हो कुछ भी होल नंबर हो और क्या हो प्रॉपर फ्रैक्शन हो तो उसको हम क्या बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन. लाइक एग्जांपल हियर इज 1 1 7/8. तो 2 क्या है 2 होल जो है वो कंप्लीट क्या है फुल है तो हम 2 को लिख देंगे साइड में और 1 का क्या है 7/8 पार्ट है यानी कि 7 पार्ट्स फिल हैं 8 पार्ट्स में. तो 2 मिक्स फ्रैक्शन जो है वो हम साइड पे लिखेंगे जो होल कम होल नंबर है तो 2 होल नंबर कंप्लीट फिल है कुछ भी डिवाइड नहीं है उसमें कुछ नथिंग. तो 2 और 7/8 एक क्या है 2 होल एक होल नंबर्स हैं और मिक्स मतलब यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसको हम क्या बोलते हैं दिस इज कॉल्ड मिक्स फ्रैक्शन. ये सारी आपको जितनी भी डेफिनेशन है मिक्स फ्रैक्शन की प्रॉपर फ्रैक्शन की इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की यूनिट फ्रैक्शन की लाइक फ्रैक्शन की और डिसलाइक फ्रैक्शन की ये आपको अपने अपने फेयर कॉपी पे लिखनी है. ओके नेक्स्ट योर टर्न. अब आपको ये एक्सरसाइज सॉल्व करनी है तो एक्सरसाइज में हम देखते हैं क्या सॉल्व करना है. शेड द डायग्राम्स टू शो द फॉलोइंग मिक्स्ड फ्रैक्शंस. आपको क्या करना है मिक्स फ्रैक्शंस हैं इसको कलर फिल करना है आपको क्या करना है शेड करना है. तो क्या बोल रहा है एक कंप्लीट यानी कि एक होल है दो है जिसमें से एक क्या है आपको कंप्लीट कलर कर देना है और सेकेंड में कितना आपको फिल करना है 1 होल एंड 3/8. तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया और एक मिक्स फ्रैक्शन एक होल नंबर तो ये किसका एग्जाम्पल है मिक्स फ्रैक्शन का. अब आपको सेकेंड में 8 पार्ट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7. इसमें आपको कितने पार्ट्स फिल करने हैं ओनली 3. तो अब 3 जो पार्ट्स हैं इसको आप ऐसे फिल कर दो क्या हो जाएगा ये आपका आंसर है. सेकेंड नंबर में क्या बोल रहा है 2 आपको होल फिल कर देने लाइक दिस. आपको 2 पूरा कंप्लीट फिल कर दिया आपने ट्राइंगल. सेकेंड आपको 3 टोटल पार्ट्स हैं 1 2 3. कितने पार्ट्स फिल करने हैं 2 दिस. सो ये आपके हो जाएंगे मिक्स फ्रैक्शन के ये आपके सॉल्यूशन हो गए शेडेड करना. नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज दैट सर्कल द पेयर्स ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन. हमें क्या करना है सेकेंड नंबर में अनलाइक फ्रैक्शन में सर्कल लगाना है. अनलाइक फ्रैक्शंस मीन्स द डेनोमिनेटर क्या हो डेनोमिनेटर और न्यूमरेटर जिसका सेम ना हो उसको क्या जो इसका डेनोमिनेटर सेम ना हो उसको हम क्या बोलते हैं अनलाइक फ्रैक्शन. तो हम देखते हैं किस किस का डेनोमिनेटर सेम नहीं है 5 और 6. सो इसका डेनोमिनेटर अलग अलग है तो इसको हम क्या कर देंगे सर्कल. ये क्या है अनलाइक फ्रैक्शन. ओके सेकेंड वन इज ऑल्सो अनलाइक फ्रैक्शन 1/9 1/5. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन. थर्ड वन इज 2/5 and 4/5. इट इज लाइक फ्रैक्शन तो इस पर हम सर्कल नहीं लगाएंगे. नेक्स्ट 9/11 11/9. इसका भी डेनोमिनेटर न्यूमरेटर है बट दोनों का डेनोमिनेटर सेम नहीं तो ये भी क्या हो जाएगा अनलाइक फ्रैक्शन. नेक्स्ट वन इज दिस डेनोमिनेटर आर सेम सो दिस इज को दिस पे हम क्या करेंगे इस पे हम सर्कल नहीं लगाएंगे. इट ये क्या है लाइक फ्रैक्शन है नॉट डिसलाइक फ्रैक्शन. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब सेकेंड का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. इस पे हमें क्या करना है अगेन हमें अनलाइक फ्रैक्शन बताने हैं तो ये अनलाइक फ्रैक्शन नहीं है इस पे हम सर्कल नहीं लगाएंगे बिकॉज इसके डेनोमिनेटर क्या है सेम है. दिस इज अनलाइक फ्रैक्शन बिकॉज डेनोमिनेटर आर नॉट सेम 8 है और 9 है तो डेनोमिनेटर क्या है सेम नहीं है तो इस पे हम सर्कल लगा देंगे. 1/4 and 1/6 डेनोमिनेटर आर नॉट सेम दैट्स वाई हम इस पर क्या कर देंगे सर्कल लगा देंगे. ओके नेक्स्ट 7/8 and 5/5 डेनोमिनेटर आर नॉट सेम दैट्स वाई हमने सर्कल लगा दिया. अब 9/9 इट इज़ अ लाइक फ्रैक्शन सो इट इज सेम
तो आई होप आप सभी को ये करने में और ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो आपको सबको बहुत अच्छा लग रहा होगा इनको सॉल्व करने में. अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. आपको कैसे सॉल्व करना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, मतलब कि जिसका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की अभी आपको मैंने डिप्रेशन बताई है कि जिसका डिनोमिनेटर क्या हो, न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर से, ठीक है. तो अब देखते हैं क्या करना है, 8/7 क्या करना है, 8/7. तो हमको 8 हमने लिख दिया और 7th यानी कि 8/7. 3/2 क्या लिख देंगे, 3/2. 3/2 मतलब हाफ का मतलब मैंने बताया 2, तो 3/2 तो हमने लिख दिया 3/2. 9/5 यानी कि 9 और 5th यानी कि 5, तो हमने क्या लिख दिया, 9/5. एंड 6/6 6/6 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 6/6 = 1. ये एक्सरसाइज में आपको वेबएक्स क्लास में भी एक्सप्लेन कर दूंगी. नेक्स्ट क्या है, फाइंडिंग एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यूजिंग द गिवन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. इसको यूज़ करके आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को यूज़ करके क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मतलब इक्विवेलेंट पता करना है. तो क्या हो जाएगा इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, हमको पहले डिनोमिनेटर इसका सेम करना पड़ेगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के लिए. इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता क्या, फ्रैक्शंस हैविंग द सेम वैल्यू आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. वी कैन ऑल्सो फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विदाउट यूजिंग डायग्राम. बिना डायग्राम को यूज़ करे भी हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन सॉल्व कर सकते हैं लाइक दिस. हमें इक्वल करना है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को, हमको डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर क्या करना पड़ता है, दोनों ही चीज़ें इक्वल करनी पड़ती हैं. क्या करनी पड़ती हैं, इक्वल करनी पड़ती हैं. तो लाइक दिस हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या करेंगे हम, क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि ऊपर की इसकी डिजिट से. तो 1 12 = 12, 6 2 = 12 क्या आ जाएंगे दोनों को, 12. तो द प्रोडक्ट्स आर इक्वल, इनके प्रोडक्ट्स क्या हो जाएंगे, इक्वल. तो ये क्या हो जाएंगे, दस द फ्रैक्शंस 1/6 एंड 2/12 आर इक्विवेलेंट. अ फ्रैक्शन इज द सिंपलेस्ट फॉर्म इफ द कॉमन फैक्टर ऑफ एन न्यूमरेटर एंड अ डिनोमिनेटर. एग्जांपल सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस, 6 7 = 42, 14 3 = 42. क्या कर देंगे हम, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एंड हमें क्या मिल जाएगा, प्रोडक्ट सेम मिल जाएगा. तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने सारे तरीके जितने भी फ्रैक्शंस होते हैं वो पढ़ा और हमने एक्सरसाइज एक कंप्लीट की. नेक्स्ट क्लास में हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की बात करेंगे और इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के और हम एग्जांपल्स को चेक करेंगे. ओके स्टूडेंट्स.